नमस्कार सभी बिहार के लोगों को और देश के लोगों को। आप लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी जनादेश की चोरी हुई, और आज जब स्पीकर का चुनाव चल रहा है तो भी चोरी की जा रही है और खुलेआम चोरी की जा रही है। किसी से जो नियमावली कहता है कि जो अगर सदन का सदस्य नहीं है उसको बाहर जाना होता है जब दरवाजे बंद होते हैं। मुकेश सहनी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, अशोक चौधरी ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, मुख्यमंत्री एमएलसी हैं, और जो सूचना मिली है इनके जो लोग हैं वो कई बड़ी संख्या में जो है एब्सेंट है, और कई ऐसे फर्जी वोटर्स को फर्जी एमएलए बनाकर के पीछे लोगों को बैठाया गया है। इसलिए हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि कानून से चलेगा, नियम से चलेगा सदन या बेईमानी से चलेगा, और लगातार ध्वनि मत भी करा दी गई। इसके बाद हम खड़े होकर के ऑब्जेक्शन किए कि जो सदन का सदस्य नहीं है, बकायदा अनाउंस किया जाता है सेक्रेटरी द्वारा, स्पीकर द्वारा, कि अगर वोट का समय अगर सदन का सदस्य जो नहीं है वो व्यक्ति बाहर चला जाए उसके बाद दरवाजा बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और कई बार हर जगह ऐसा हुआ, ये तो हर जगह, ये पूरी देश दुनिया के सामने लूट है, चोरी है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या की जा रही है। और बाहर तो इनके लोगों ने चोरी की, बेईमान अफसरों ने।